तो गाइस ये है मेरे पास DJI का Air 3 ड्रोन जो कि ये फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ आता है। आइए DJI Air 3 की अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ हमें क्या क्या मिलता है इसी ड्रोन के अंदर। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरज, चैनल का होस्ट आपका दोस्त टेक्निकल नीरज ETC। तो आइए दिखाते हैं। DJI Air 3 ड्रोन फ्लाई मोर कॉम्बो RC2 रिमोट के साथ ये आता है। इस बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, और पीछे की तरफ कुछ बॉक्स इस तरीके से दिखता है, और इधर कुछ नए DJI की ब्रांडिंग है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, देखता हूँ हमें क्या क्या मिलता है इसी ड्रोन में। तो बॉक्स तो ओपन है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बॉक्स ओपन करते ही कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा DJI Air 3 का बार कोड, जो कि आप स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास RC रिमोट नहीं है तब। तो बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ बैग इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैग है, और बैग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका स्ट्रैप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है, और यहाँ पे एक हमें टैग देखने को मिलता है। ये बैग का जो मटेरियल है नायलॉन और पॉलिस्टर मिलकर ये बनाया गया है बैग को। तो बैग को कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, ये बैग को ओपन करते ही कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये है पैपलेट, सारा चीज़ मैं निकालता हूँ बाहर फटाक से। तो इसी ड्रोन में हमें जो है यही सारा चीज़ कुछ मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इससे ज़्यादा हमें इस ड्रोन में नहीं मिलता है। फ्लाई मोर कॉम्बो RC है ये ड्रोन। एक यहाँ पे बारकोड स्कैनर मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड्स मिलता है, और एसेसरी यूजर गाइड्स मिलता है, सेफ्टी गाइडलाइंस मिलता है कहाँ पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं कहाँ नहीं उड़ाना चाहिए, ड्रोन इन्फॉर्मेशन नोटिस यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो पेपलर मिलते हैं आपको 3 एक्स्ट्रा पेपलर्स मिलते हैं, एक लगाने के बाद 2 एक्स्ट्रा पेपलर्स मिलते हैं। अगर आपका चारों पेपलर्स ख़राब हो जाएंगे तो आप ये लगा के यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे USB Type-C टू Type-C केबल मिलता है, और एक ये रिमोट कंट्रोल मिलता है RC2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बैटरी चार्जिंग हब, तीनों बैटरी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। और ये रहा अपना ड्रोन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है ड्रोन Air 3, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 कैमरा देखने को मिलेगा इसमें कुछ इस तरीके से। इसमें बैटरी लगाने के बाद जो है आप ये देख सकते हैं इसको निकालने के लिए यहाँ पे बटन भी दिया है, इसको दबाने के बाद तब आप बैटरी निकाल सकते हैं। बैटरी कुछ इस तरीके से लगती है इसमें, और अभी लॉक नहीं हुआ, एक नॉर्मल लॉक होता है उसके बाद एक पूरा जाएगा तब ये पूरा लॉक हो गया, अब ये बैटरी इन हो गई। अब इस ड्रोन को मैं ऑन करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ड्रोन में हमें क्या क्या कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं ये आप देख लेते हैं। ये जो रिमोट है ये RC2 रिमोट है, यहाँ पे आपको एक एंटीना ये मिलता है कुछ इस तरीके से, और पीछे कस्टम बटन मिलता है 1-2, उसके बाद अपना यहाँ पे स्टिक यहाँ पे है, और इसे ऐसे इसे इन कर सकते हैं। ड्रोन को मैं थोड़ा सा ऑन करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन हो गया, और हमें इसमें कौन कौन से मोड मिलते हैं ये भी हम देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं वीडियो मोड में आपको नॉर्मल मोड, नाइट मोड और स्लो मोशन मिलता है, मास्टर शॉट मिल जाता है, क्विक शॉट मिल जाता है, हाइपर लैप्स मिल जाता है, पैनोरामा मिल जाता है। और फोटोज़ में आप ये देख सकते हैं सिंगल शॉट मिल जाता है, उसके बाद ब्लस्टर मिल जाता है, और टाइम शॉट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे शॉट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें कितने सारे फीचर दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं। तो गाइस इससे आप जो है यहाँ पर 1080p 60fps तक दिया गया है, उसके बाद 4K 60fps दिया गया है नॉर्मल मोड पे। इस ड्रोन को अपडेट करने में आपको 4K 100fps तक जा सकता है। इसमें जो है आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, 2.7K में आप कर सकते हैं। तो गाइस इसी ड्रोन की अगर हम कैमरे की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, एक आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है, एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है, क्योंकि जो टेलीफोटो कैमरा है वो 70mm पे है, और जो आपका वाइड कैमरा है वो 24mm पे है, जो कि 1.7 अपर्चर के साथ, और आपका टेलीफोन 2.8 अपर्चर के साथ है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है। आप इससे काफ़ी बढ़िया वीडियोस बना सकते हैं। इस कैमरे का जो सेंसर है 1.3 इंचेस का जो है सीमोस सेंसर दिया गया है, जो कि दोनों सेंसर 1.3 इंचेस के हैं, जिसमें आप दोनों ही सेंसर से आप 4K 60fps पे वीडियोस बना सकते हैं, वाइड एंगल से आप 4K 100fps तक स्लो मोशन बना सकते हैं, और जो आपका टेलीफोटो कैमरा है वहाँ पे 4K 60fps बना सकते हैं, जो कि वाइड से आप HDR पूरा वीडियो शूट कर सकते हैं, और आप टेलीफोटो से HDR वीडियोस नहीं कर पाएंगे।
इसमें जो चारों सेंसर लगा है ओमनी डायरेक्शनल ऑप्स स्केल सेंसिंग है। इस ड्रोन का जो है चारों तरफ से ये सेंसिंग कर लेगा। अगर ड्रोन आपका यहाँ लेफ्ट राइट आगे पीछे जाएगा तो ये सेंसिंग कर लेगा, बचा लेगा, अपने आप को लड़ने नहीं देगा अगर आप सेंसर ऑन करके इसे फ्लाई करते हैं तब। इसी RC2 रिमोट के ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो यहाँ पे इस रिमोट पे आपका जो है ट्रांसमीटर मिलता है 20 किलोमीटर। आप 20 किलोमीटर से इस ड्रोन पे आउटपुट आप ले सकते हैं, वो भी 1080p 60fps के साथ से। तो इसका जो ट्रांसमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे पास जो था Air S2 उसमें जो है 15 किलोमीटर ही दिया गया था। इस ड्रोन की बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो ये ड्रोन आप जो है फ्लाई कर सकते हैं 46 मिनट तक, कंपनी की तरफ से 46 मिनट बताया गया है। और इस बैटरी का जो पावर MAH है यहाँ पे 4241 MAH दिया गया है। तो गाइस इस चार्जिंग हब की खास बात क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना ड्रोन को फ्लाई कर चुका है अगर इसमें से आपका पावर कुछ ना कुछ उतरा होगा तो एक बैटरी आपको फुल करके दे देगा। कभी कभी हम लोगों जो है ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो दिक्कत ही आती है, जैसे कि मैंने 15 मिनट या 20 मिनट मैंने ड्रोन उड़ा दिया है तो उसमें 1-2 पॉइंट बैटरी रह जाती है तो हमें दूसरी बैटरी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ऐसे करके हमने तीनों बैटरी यूज कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पावर तीनों बैटरी में रह जाता है, तो ये चार्जिंग हब उसे एक किसी एक बैटरी को फुल करके दे देता है। इस तरीके से ये चार्जिंग हब काम करता है, काफ़ी अच्छा है ये तरीका, जो कि हर ड्रोन में होना भी चाहिए। और हाँ गाइस, ड्रोन के साथ हमें जो है चार्जर नहीं मिलता है, आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। मैं इसे अपने सैमसंग के 25 वाट से चार्जर से चार्ज कर रहा था, इसे चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है। एक बैटरी को चार्ज होने में करीब 3 घंटा ये लगा और तीनों बैटरी चार्ज होने में 9 घंटा पूरा लग गया है इसे चार्ज होने में। अगर आप इसके हिसाब से अगर आप चार्जर नहीं खरीदेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस ड्रोन को चार्ज होने में। आप पीछे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है 3.0 इसका चार्जिंग सप्लाई होना चाहिए, वो भी PD चार्जर 65 वाट का होना चाहिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तब अगर आप जो है 65 वाट का PD चार्जर नहीं लेते हैं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लेट में चार्ज होगा। इसके लिए आपको 65 वाट का जो है PD चार्जर लेना पड़ेगा या 100 वाट का। तो 100 वाट या 65 वाट आप लेंगे तो जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा। ऐसे रिमोट में भी है गाइस, तो रिमोट में अगर फास्ट चार्जिंग से चार्ज करेंगे तो ये बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगा, अगर स्लो चार्ज रहेगा तो इसका जो है ब्लिंकिंग धीरे धीरे होगा, कुछ इस तरीके से काम करता है ये। अब मैं चलता हूँ इसे आउटडोर में फ्लाई करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से शॉट्स इससे बन सकते हैं और कैसा है इसी ड्रोन का रिजल्ट। 70mm और 24mm किस तरीके से काम करता है ये दोनों लेंस को चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप सभी को ये ड्रोन की अनबॉक्सिंग कैसे लगी आप कमेंट्स करके बताएं, क्या आपने भी ये DJI Air 3 को ट्राई किया है कि नहीं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी अपनी राय दीजिएगा, आपको इस ड्रोन के बारे में क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे आप सभी के मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तब तक के लिए जो है महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।